हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनी लैब सर्जन, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। पिछले वीडियो में हमने मुलेरिया एनोमलीज के बारे में बात की थी, फिर हमने बात की थी डाइडेल्फस यूट्रस के बारे में। आज हम बात करेंगे कि कई बार कपल्स बच्चा नहीं लगने की समस्या के बारे में परेशान रहते हैं। शादी को काफी समय निकल जाने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, तो उसे इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। इनफर्टिलिटी यानी कि बच्चा नहीं लगना। बच्चा नहीं लगने के कई कारण हो सकते हैं, तो पहले तो हम ये समझेंगे कि बच्चा लगने का एक नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसेस है जिससे कि बच्चा लगता है। आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो देयर इज अ यूट्रस एंड दिस इज द टू फेलोपियन ट्यूब्स। ये दो नलियां हैं बच्चेदानी के साथ में, और ये दोनों तरफ पाई जाने वाली अंडेदानी है। जो एक नॉर्मल महिला के अंदर जो मासिक धर्म का चक्र चलता है, तो उसमें अंडेदानी में अंडा बनता है और 14वें-15वें दिन अंडा बनके फूटता है, और ये जो ट्यूब के जो फिम्ब्रिया है ये अंडे को पकड़कर ट्यूब के अंदर ले जाते हैं, और ट्यूब की जो मूवमेंट होती है सिकुड़ने और फैलने की जो मूवमेंट होती है उससे ये अंडा चल के यहाँ ट्यूब का जो बीच का हिस्सा होता है जिसे इस्थमस कहते हैं वहां पहुंचता है। अब जब हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बनता है, वजाइना में जब स्पर्म रिलीज होता है या सिमन रिलीज होता है, तो उसमें से स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु अपने आप चलकर बच्चेदाने के रास्ते से होते हुए यहाँ ट्यूब तक पहुंचते हैं। इस ट्यूब के इस हिस्से के अंदर शुक्राणु और अंडाणु यानी एग और स्पर्म का कॉम्बिनेशन होता है, जुड़ाव होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और यहाँ एक नया एम्ब्रायो बनता है जिसे की जाइगोट के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो एम्ब्रायो यहाँ बना, जाइगोट बना, ये फिर आगे ट्यूब के सिकुड़ने फैलने के मूवमेंट के कारण चलता हुआ बच्चेदानी के किसी एक हिस्से में आकर इम्प्लांट हो जाता है, जिससे कि गर्भ धारण करना या गर्भ रुकना बोलते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो इस प्रोसीजर में आप ये समझ पाए होंगे कि बच्चा लगने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। बच्चा लगने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हस्बैंड का सीमन एनालिसिस बिल्कुल परफेक्टली ठीक होना चाहिए, यानी कि उसमें स्पर्म्स के काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म का जो शेप एंड स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई कमी है तो बच्चा लगने में परेशानी आ सकती है। दूसरा, वजाइनल एजेनेसिस या वजाइना में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई पर्दा या और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जिससे कि इंटरकोर्स आसानी से हो सके और सीमन महिला के शरीर में पहुंच सके। फिर यहां से अगर आगे हम देखते हैं तो बच्चेदानी का मुंह है जिसे सर्विक्स कहते हैं। यहाँ सर्विक्स में भी किसी तरह एक तरीके का म्यूकस आता है, बच्चेदानी के मुंह से पानी निकलता है। इस पानी के अंदर ये जो स्पर्म्स होते हैं इनका कैपेसिटाइजेशन होता है, यानी कि इनका मैच्योराइजेशन होता है, और ये अपनी एक लेयर उतारते हैं और यहां से फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर कई बार ये ब्लॉकेज होता है या फाइब्रोसिस होता है किसी प्रकार से, अगर ये मुंह बंद होता है तो शुक्राणु यहाँ से बच्चेदानी के अंदर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चा लगने में दिक्कत आ सकती है, जिसको कि अपन चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। इसके बाद में जब शुक्राणु यहाँ से बच्चेदानी से ट्यूब तक पहुंचने चाहिए, तो कई बार आपने सुना होगा कि नलियां बंद है, नलियां बंद होने की वजह से शुक्राणु यहाँ तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ पे बच्चेदानी से जहाँ ट्यूब जुड़ती है वहां पे भी कॉर्नियल एंड पे कई बार फाइब्रोसिस हो जाता है, बच्चेदानी सिकुड़ जाती है, सूख जाती है, या ये छेद बंद हो जाता है जिससे कि शुक्राणु आगे नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम इधर जो महिला के शरीर में हो सकता है कि या तो जैसे अंडेदानी के अंडे बनते ही नहीं है, या फिर अंडे बनते हैं लेकिन अंडों का साइज जो 20 mm तक यानी 20 mm के साइज तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अंडा तभी मैच्योर होता है और तभी रप्चर हो पाता है। तो अंडा बनता तो है लेकिन फूटता नहीं है, वहां तक उसका साइज बढ़ता नहीं है। तो ऐसा कई बार पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज के अंदर पाया जाता है कि जिसमें बहुत सारे अंडे बनते तो हैं लेकिन वो यही कैप्सूल के नीचे अंडेदानी की एक लेयर थिक मोटी लेयर के नीचे जमा हो जाते हैं और अंडा फूट नहीं पाता। तो जब अंडा फूटेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं, तो बच्चा नहीं लग पाएगा किसी भी कंडीशन में। अब मान लो अंडा बन भी रहा है, अंडा फूट भी रहा है, और ये जो यहां से ये जो फिम्ब्रिया है ये किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी टीबी की वजह से या और किसी कोई सर्जरी के कारण से, किसी भी कारणवश अगर ये फिम्ब्रिया डैमेज हो गए हैं तो जो अंडे को पकड़ नहीं पाते हैं, या ये चिपक गए हैं या खत्म हो गए हैं, और भी कोई प्रॉब्लम हुई है, तो ये अंडा ट्यूब के अंदर नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से फिर आगे का प्रोसेस नहीं होगा और बच्चा नहीं लग पाएगा। अगर फिम्ब्रिया भी ठीक है और अंडे को पकड़ के उन्होंने अंदर
ट्यूब के अंदर प्रोसेस भी कर दिया है, लेकिन अब किसी कारणवश इसके अंदर कई बार ट्यूब के इन्फेक्शन हो जाता है, या ट्यूब में जैसे कई बार ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी की बीमारी हो जाती है, या ट्यूब में और किसी प्रकार की साल्पिंजाइटिस, इस्थमिका नोडोसा भी एक बीमारी होती है, या और किसी कारणवश ट्यूब ब्लॉक हो गई है, बंद हो गई है, या अंदर एडिजन बन गए हैं जिसमें से कि मोटा अंडा नहीं निकल पा रहा है, तो वही फंस जाता है और अंडा आगे नहीं पहुंच पाता है। तो जो फर्टिलाइजेशन होता था स्पर्म का एग से जो कॉम्बिनेशन जुड़ना था वो नहीं हो पाता है और बच्चा नहीं बन पाता है। तो इस तरीके से अगर आप समझेंगे कि ट्यूब की खराबी के कारण, अंडेदानी की खराबी के कारण, या स्पर्म्स की खराबी के कारण, या ट्यूब बच्चेदानी की और कोई खराबी के कारण बच्चा नहीं लगता है, तो ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस है और कारण है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अंदर से बच्चा अंडेदानी से अंडा बन गया, पहुंच गया और शुक्राणु भी इधर पहुंच गए हैं और यहाँ बच्चा बन भी गया है, लेकिन जैसे इनका साइज बढ़ा और आगे से अगर यहां से अगर कहीं से ट्यूब चिपकी हुई है और ये बच्चा यहां से बच्चेदानी तक ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाया, तो बच्चा यही बढ़ने लग जाता ट्यूब के अंदर ही, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। इसमें आपने सुना होगा कि कई बार बच्चा ट्यूब के अंदर ही लग गया और कई बार नस फट भी जाती है और ब्लीडिंग भी हो जाती है, एक तरीके की इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है, जिसका एक अलग से ट्रीटमेंट होता है, वो हम अगले अलग वीडियो में बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। ये जो आप समझ रहे हैं कि इस तरीके की ये जो प्रॉब्लम है, अब ये पता कैसे चले कि कपल को कौन सी समस्या है, किस लेवल पे समस्या आ रही है जिसके कारण बच्चा नहीं लग रहा है। तो जो स्पर्म्स का या सीमन का, तो एक सीधा सा सीमन एनालिसिस टेस्ट होता है जिसमें हस्बैंड अपना सैंपल देता है और उसका माइक्रोस्कोप से उसकी जांच हो जाती है, जिसे सीमन एनालिसिस के नाम से जानते हैं, जिससे पता चल जाता है कि स्पर्म का काउंट कितना है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज क्या है, उसकी मोटिलिटी कितनी है। तो एवरीथिंग कैन बी डायग्नोस आउटसाइड इजीली। अब दूसरा जो हम देखते हैं कि भाई बच्चेदानी के महिला की जब शरीर की जांच की जाती है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है या उसमें कोई कमी तो नहीं है जिसके कारण बच्चा नहीं लग पा रहा है, तो सबसे पहले जब गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं, हमारे पास आप आते हैं, तो हम सबसे पहले नीचे से फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम चेक करते हैं कि बच्चेदानी का रास्ता बिल्कुल ठीक है, बच्चेदानी का जो मुंह है, सर्विक्स है, वो बिल्कुल सही है, वहां किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन या कोई मुंह किसी कारण से बंद तो नहीं है या और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये तो ओपीडी के अंदर चेक किया जा सकता है, लेकिन इसके आगे की जांच के लिए हमें दूरबीन की जरूरत पड़ती है, जिसको कि हिस्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं, जिसमें कि बच्चेदानी के नीचे से यानी कि वजाइना से ये दूरबीन अंदर डाली जाती है और ये निगोशिएट करके पूरा अंदर की कैविटी तक, यानी कि इसके अंदर जाकर अंदर की कैविटी पूरे यहाँ दूरबीन डालकर देखा जा सकता है, जिसे हिस्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं। इसमें अगर हमें जैसे सर्विक्स के थ्रू हम लोग जाते हैं बच्चेदानी के मुंह के अंदर से और हमें पता चलता है कि बच्चेदानी का मुंह बंद है, तो उसको सीजर डाल के या कैंची डाल के उसे खोला जा सकता है, और अंदर अगर हम जाने के बाद पता चलता है कि बच्चेदानी का अंदर से कहीं चिपकी हुई है या और कोई प्रॉब्लम है, कोई पर्दा है, और भी किसी तरीके की कोई बीमारी है, तो उसको दूरबीन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अब हमें ये देखना होता है कि दोनों तरफ की नलियां खुली है या नहीं है, तो उसके लिए पेट के अंदर से दूरबीन डाली जाती है, जिसे लेप्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं, और नीचे से रंगीन पानी यानी कि मिथाइलिन ब्लू डाई डाली जाती है, जो दोनों तरफ की नलियों से निकलकर, जब यहां से डाई डालते हैं तो पानी निकलकर यहां से पेट के अंदर दिखाई देता है, जिसे कि क्रोमोपर्टुबेशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है कि दोनों तरफ की नलियां खुली हैं या बंद हैं। कई बार हमें लगता है कि नलियां यहां से कॉर्नर से बंद है, तो नीचे से दूरबीन के द्वारा तार डालकर इसको यहां से खोला जा सकता है। कई बार पेट से जब दूरबीन डाला हमने इस तरीके से, तो हमने देखा कि दोनों तरफ की ये जो फिम्ब्रिया है ये चिपके हुए हैं, तो इनको सीजर डालकर इनको कैंची के द्वारा काट के या थोड़ा सा सेपरेट किया जा सकता है, जगह बनाई जा सकती है। कई बार और भी कुछ और खराबी, कई बार ये जैसे ये फिम्ब्रिया ट्यूब के पास अंडेदाने के पास ना होकर बच्चेदानी के आगे हिस्से में या पिछले हिस्से में या कहीं और जाके चिपक जाते हैं, कोई पीछे सर्जरी की वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से, तो उनको भी एडिजुलाइसिस करके सही किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप समझ पाएंगे कि दूरबीन डालकर पेट के अंदर से और बच्चेदानी के रास्ते से वजाइना से दोनों तरफ से, यानी कि लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी, जो पेट से दूरबीन डालते हैं उसको लेप्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं, और जो नीचे से वजाइना से जो दूरबीन डाली जाती है उसको हिस्ट्रोस्कोपी के नाम से जानते हैं, तो डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी एंड लेप्रोस्कोपी के द्वारा पूरी बच्चेदानी की अंदर की तरफ से जांच और बाहर की तरफ से जांच, दोनों जांच पूरी कंप्लीटली पॉसिबल है, और जहां पे जिस लेवल पे जो प्रॉब्लम दिखती है उसको साथ के साथ
सही कर दिया जाता है कि जैसे कि अगर हमने यहां से दूरबीन डाली और हमें लग रहा है कि बच्चेदानी का रास्ता या सर्विक्स के लेवल पे प्रॉब्लम है, बच्चेदानी का मुंह बंद है, तो उसको वहां से सीजर डालकर उसको खोल दिया जाता है। और अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि अगर अंदर पर्दा है और कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सीजर से कट करके ठीक किया जाता है। अंदर से अगर बच्चेदानी चिपकी हुई है तो उसको भी सीजर डालकर उसे खोल दिया जाता है। अगर उसके आगे चलते हैं पता चलता है कि जो ट्यूब जहां जुड़ी हुई है, जो कॉर्नोअल एंड है, ऑस्टिया है, वहां पे अगर बंद है तो तार डालकर उसे खुला जा सकता है। पेट से दूरबीन डालकर हम सारी अंदर की जो भी बीमारी है, ट्यूब ओवरी का जो रिलेशनशिप है उसे देख के हम उसको ठीक कर सकते हैं। और किसी तरीके का एंडोमेट्रियोसिस का पता चल जाता है, कोई गांठ है या नहीं है उसका पता चल जाता है। अंडेदानी में पीसीओडी है अगर, जैसे अंडे बनते हैं लेकिन फूटते नहीं, अंदर ऊपर की लेयर काफी मोटी हो गई है, तो ओवेरियन ड्रिलिंग करके यानी कि उसमें लेजर से छेद बनाकर अंडा फूटने की जगह बनाई दी जाती है। तो इस तरीके से दूरबीन के द्वारा बच्चा नहीं लगने का कोई कारण अगर हमें दिखता है तो उसका साथ के साथ इलाज भी कर दिया जाता है। तो दूरबीन के द्वारा आज के टाइम में सारी तरह की बीमारियों का इलाज संभव है, जिसमें बच्चा नहीं लगने का कारण का पता लगाना और उसका इलाज करना दोनों एक साथ संभव है। ऐसा नहीं हो कि अगर आपने कहीं दूरबीन की जांच कराई और सिर्फ आपको देख के ये छोड़ दिया गया कि वापस मत, कि साहब आपके ये प्रॉब्लम है और अब आपको कहीं और जाके ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में, ऐसी दुविधा में आप ना फंसे। कभी भी जब भी आप दूरबीन की जांच के लिए जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आगे भी आपका पूरा काम साथ के साथ हो पाए और एक ही सेटिंग में यानी कि एक ही ऑपरेशन के टाइम पे दूरबीन की जांच और इलाज साथ के साथ हो पाए। इसको हम डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एंड क्रोमोपर्ट्यूबेशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। और साथ में जो ऑपरेटिव किया जाता है यानी जो ऑपरेशन साथ में जो किया जाता है वो भी साथ के साथ कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में अब आप समझ गए होंगे कि आज के जमाने में बहुत अच्छी टेक्निक्स अवेलेबल हैं और मोटे तौर पर जितनी भी खराबियां जिसे बच्चा नहीं लग रहा वो सब सही की जा सकती हैं और एक आप भी एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो इसी तरीके की और जानकारियों को पाने के लिए अगर आपने जयपुर दूरबीन के यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।